लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ विक्रम ऑफ इसरो विक्रम साराभाई. सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून इज मोर टफर देन मार्स बिकॉज मून साउथ पोल हैज 33% मोर क्रेटर्स देन मार्स. मैम मेरे को एक स्पेस इंजीनियर बनना है जिसमें मेरे को मैम जैसे चंद्रयान लॉन्च हुआ कुछ सालों पहले, मंगलयान लॉन्च हुआ था, मेरे को नेपट्यूनल 9 भी लॉन्च करना है मैम. एक पोयम है चंदा मामा दूर के, जैसे अभी कहा भी था मोदी जी ने, तो चंदा मामा दूर के, बट समथिंग दैट आई थिंक नाउ इज दैट चंदा मामा इज नॉट दैट फार नाउ. एग्जाम खत्म होने के बाद की जो खुशी होती है मैम, उससे ज्यादा बड़ी खुशी थी मैम. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं आरबी सेंस. आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग इस छोटे बच्चे के नॉलेज के बारे में क्या प्रतिक्रिया देते हैं, तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं. 2 साल के इंडियन स्टूडेंट ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर इस तरह की बातें की हैं कि शायद पाकिस्तान के पीएचडी होल्डर्स को भी इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो. इस बच्चे की ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो आज हम इस 9 साल के इंडियन बच्चे की ये वीडियो दिखाएंगे पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनके रिएक्शन, और साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम का करेंगे कंपैरिजन. मैं चाह रही हूँ छोटा सा क्लिप है वो आप देखें और उसके बाद मैं आपकी जो है राय जानना चाहूँगी. क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? पहले अपना नाम बताओ, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ी. मैं वंश, आई एम वंशदीप फ्रॉम पीजी स्कूल नोएडा, आई स्टडी इन 5F. ओके 5. क्या क्या पता है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? चंद्रयान 3 के बारे में मेरे को ये पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ विक्रम ऑफ इसरो विक्रम साराभाई. एंड रोवर्स नेम इज प्रज्ञान बिकॉज वी हैव अनलॉक्ड अ न्यू लेवल ऑफ knowledge and science. Okay. And India is the first country to land on South Pole safely and to do soft landing on Moon. And doing soft landing on Moon is more tougher than Mars because Moon's South Pole has 33% more craters than Mars. Sir, क्या कहेंगे? ये है भारत का फ्यूचर, ये है भारत की एजुकेशन जो आपने देखी कि 9 साल का बच्चा कैसे फरफर इंग्लिश बोल रहा है, और उसने बताया कि उसको किस तरह से साइंस में इंटरेस्ट है और वो किस तरह से हर मून मिशन को, स्पेस मिशन को जो है वो फॉलो करता है. क्या कहेंगे सर? लाइक मैं तो, मेरे तो कहने के अल्फाज ही ख़त्म हो गए इस बच्चे की बातें सुनने के बाद. जी माशाल्लाह, अच्छी बात है. और बच्चे से यहाँ से आप देख लें कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको एजुकेशन कैसी मिल रही है. हमारा जो मुल्क है वो बहुत ज़्यादा पीछे है, उनके बच्चों को इतनी एजुकेशन मिल चुकी है कि वो उसके ऊपर पूरी डिबेट कर सकते हैं. हम तो अभी आपको अपने से ही बाहर नहीं आ रहे, तो हम आपको क्या बताएं कि हमारा मुल्क चांद पे नहीं पहुंचा. माशाल्लाह अच्छी बात है, इंडिया अगर चांद पे पहुंच गया तो बहुत अच्छी बात है. दूसरे हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मुल्क भी जाए और तरक्की करे, लेकिन हमारे जो मुल्की हालात जो हैं वो इस टाइम हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं. तो अपने यानी कि हम पेट्रोल पे, बिजली पे, इससे ही नहीं बाहर आ रहे, तो हम चांद पे चले जाएं या आसमान पे चले जाएं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सर आप ये देखें कि एक छोटे से 9 साल के बच्चे ने हमें वो बातें बताई हैं जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को भी नहीं पता होंगी. उसने कहा कि मैं स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं उनके तमाम चैनल्स को, उनकी चीज़ों को फॉलो करता हूँ. तो आप देखें कि एजुकेशन के मैार का कितना फ़र्क है. बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जाहिर सी बात है, तभी तो वो चांद पे हैं और हम यहाँ पर ज़मीन पर हैं. इसी यही फ़र्क होता है ना कि जो एजुकेशन, जो मुल्क अपने बच्चों के ऊपर काम करता है, हमारी गवर्नमेंट अगर अपने बच्चों पे काम करे तो हमारे बच्चे भी बात सारी उनको पता हो चांद पे कैसे जाना है, कैसे हमारा मुल्क ने कौन कौन सी तरक्की की है. उनको यही नहीं पता अभी तक, एजुकेशन इतना एजुकेट किया ही नहीं गया, क्योंकि वो जो उनके माँ बाप है वो अपने मसलों से ही नहीं बाहर आते, तो वो एजुकेशन कैसे उनको मिलेगी जब तक गवर्नमेंट उसमें अपना पूरा हिस्सा नहीं डालेगी. सर आपको लगता है कि पाकिस्तान के बच्चों को पता होगा स्पेस साइंस क्या है, या अगर हम बात करें हमारी स्पेस एजेंसी उसका नाम भी पता होगा पाकिस्तान के बच्चों को, अगर हम यहाँ पे किसी से पकड़ के बात करें तो? मैं आपको बताऊँ, मुझे खुद को भी नहीं पता. ये बेसिकली आप देखें ना, एक बच्चे को आप जो माहौल प्रोवाइड करेंगे घर पे, आप वो उसका वो जो है ना फिजिकली लाइफ में बहुत असर होगा. आप इंडिया देखें, आप इख्तलाफ में आराम से हो सकता है कि हमें एक शुरू में ही हमारे जो जब से मुल्क बने आपस में हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं रहे, लेकिन जिस चीज़ में आप देखें उनकी इकानमी को देखें, उनका एजुकेशन लेवल देखें, उसमें वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं. लास्ट टाइम आपने उनका जो पीएम है मोदी, उनका भी बयान सुना होगा, उन्होंने कहा पाकिस्तान को छोड़ो, हमने दुनिया का मुकाबला करना है. वो अब इस चीज़ से आगे निकल गए हैं. अब हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं
उनको भी चाहिए कोई ऐसी इन्वायरमेंट पैदा करें, ये नहीं आज करेंगे तो कोई एक दिन में हो जाएगा, वो बैठें कोई इन्वायरमेंट पैदा करें, बच्चों को कोई माहौल प्रोवाइड करें, कोई एजुकेशन सिस्टम एक लाएं और सारा फोकस पे करें कि हमने अपनी कौम को उठाना है। लेकिन सर आप ये देखें कि ये सिर्फ एक 9 साल का बच्चा है, उसके इंटरेस्ट आप देखें कि उसका इंटरेस्ट क्या है। उसने कहा है जी मेरा साइंस में इंटरेस्ट है, मेरा स्पेस को जो एक्सप्लोर करने का इंटरेस्ट है, और वो ख़ुद उसके ऊपर रिसर्च करता है, एजुकेशनल साइट से इंफॉर्मेशन गेन करता है। मतलब आप ये देखें कि वो उसका इंग्लिश का एक्सेंट आप देखें किस तरह से वो इंग्लिश बोल रहा है। आप अगर यहाँ पे किसी मार्केट में किसी 8 से 9 या 10-12 साल के बच्चे को पकड़ के पूछ लें कि आपकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो मैं आपको शर्त लगा के कहती हूँ कि यहाँ पे किसी को मार्केट में नहीं पता होगा कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या। उसकी वजह मैडम यह है, उसकी बेसिक वजह यह है कि मैंने जो पहले अर्ज़ किया कि हमने इन सारी चीज़ों को तबकात में तकसीम कर दिया, लेवल बना दिया है, ए बी सी डी लेवल। ए लेवल ऊपरी वाला लेवल है, जो ब्यूरोक्रेसी के बच्चे हैं। अब जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं, जितने भी हमारे जर्नैल हैं, इन सब के बच्चे क्वालिटी एजुकेशन के लिए बाहर के ममालिक में एजुकेशन ले रहे हैं। उससे नीचे वाला तबका यहाँ भी रह जाता है कि जो 50-50 हज़ार फीसें पे करके अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं, उससे नीचे एक तबका है वो 10-20 हज़ार वाली फ़ीस पे कर रहे हैं। उससे एक नीचे तबका है जो महल्लों में जो गलियों के छोटे छोटे स्कूल्स हैं या जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ पे जाके बच्चों को अपनी एजुकेशन दिलवा रहे हैं, वो अपना डंग पूरा करवा रहे हैं कि चलें बच्चों को घर से निकालें, उनको थोड़ा शऊर आ जाए। अब जिस घर में गुर्बत होगी, जहाँ पर हर वक्त मौशी महंगाई और मौशी बात हाल ही डिस्कस होगी, वहाँ पर बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं वो भी ज़ाया हो जाती होती हैं। सर ये तो सारा का सारा हमारी गवर्नमेंट का कसूर है कि वो अच्छे एजुकेशनल ना तो इदारे बना पा रही है। आप सरकारी स्कूलों का हाल देख लें, क्या आप अपने बच्चों को पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहेंगे? अब सरकारी स्कूलों के बच्चों का जो 20-30 साल पहले मेयार हुआ करता था या जो वहाँ पे जो हमारे टीचर से जो उनके पढ़ाने का लेवल था वो अब नहीं रहा। अब हर बंदा हर माँ बाप परेशान है कि हम अपने बच्चे को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाएं ना कि गवर्नमेंट के स्कूल में। सर हमने यहाँ पे स्कूलिंग को एजुकेशनल को जो है वो बिजनेस बना लिया हुआ है कि हमने पैसा छापने। आप प्राइवेट स्कूल की कोई भी फीस देख लें, 10 हज़ार से नीचे भी किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं है। यही वजह है जब हमारा स्कूलिंग सिस्टम, जब हमारा एजुकेशन सिस्टम टीचिंग से हटके, खिदमत से हटके, वो कमाई का जरिया बनेगा तो फिर वहाँ पर एक मुकाबले की फ़जा बन चुकी है। वहाँ पर फीसिस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बाकी जो एक्सपेंसिस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो अफोर्ड कर पाता है वो वहाँ पे जाता है, जो अफोर्ड नहीं करता वो बच्चे को किसी और स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर है। तो सर इंडिया के एजुकेशन के निज़ाम पर आप क्या राय रखते हैं और इस बच्चे के बारे में क्या कहेंगे, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी इन्फॉर्मेशन? बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, बिल्कुल अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी करे। उसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है और ये स्टेट ने उसको ये एतमाद दिया है, स्टेट ने उसको अपॉर्चुनिटी दी है, वो बच्चा अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। यही कुछ अगर हमारी हुकूमत करे, हमारी स्टेट करे, तो हमारे बच्चे उससे ज़्यादा आगे जाके मुल्क। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के थ्रू जरूर दें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।